मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए बिग अपडेट, बहुत बड़ी खबर। क्या है बड़ी खबर? सभी मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए जो कॉलेज में अध्ययनरत हैं, बता देना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर में थे सेकेंड ईयर में जाना था, जो सेकेंड ईयर में थे थर्ड ईयर में जाना था, उनका एडमिशन और सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इनकी जो फोर्थ सेमेस्टर में जिनको प्रवेश लेना था उनका एडमिशन वाला पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। इसके बारे में मैं विशेष पूरी जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ बता दूं जो मेरे ग्रुप बने हुए हैं उसमें कल मैंने एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया था, वह पीडीएफ यही था। उसके बाद काफी लोगों का मैसेज आ रहा था ये क्या है, उसी में मुझे थोड़ा समझा दीजिए, वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम में कहने और सुनने के माध्यम से काफी ज्यादा स्पष्टता हो जाती है। उस संदर्भ में मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वह पीडीएफ की सभी बातें समझाने के लिए आया हूँ और साथ साथ एक बार फिर से बता दूं मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत गोल्डन चांस आ चुका है कि आप लोग एडमिशन फिर से करवा सकते हैं, आपकी डेट पड़ चुकी है। उसके लिए बता देना चाहता हूँ जो पीडीएफ आया है उसको मैं पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल, यह भोपाल सतपुड़ा भवन से यह जो लेटर जारी किया गया है, सभी प्रचार प्रति प्रचार समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश सभी प्राचार्यों के लिए यह नोटिस जारी की गई है। यह आया है नोटिफिकेशन, विषय में लिखा हुआ है सत्र 2022-23 के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु महाविद्यालय के लिए निर्धारण तिथि में वृद्धि करने पावन, यानी कि द्वितीय वर्ष में तृतीय वर्ष में और स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में जिनको प्रवेश लेना है उनके लिए प्रवेश का पोर्टल फिर से खोल दिया गया, उनको क्या करना होगा सब कुछ दिया है। इसमें दिया हुआ है बहुत सारे क्रमांक वगैरह उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश की खंडिका 18 के बिंदु क्रमांक 18.1, 18.11, 18.12 एवं 18.3 का अवलोकन करने में स्पष्ट करें। खंडिका 18 के अनुसार समस्त शासकीय शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय सीमा में ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाने के निर्देश है। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन के आसपास आपका जो एडमिशन की प्रोसेस का बता रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 13-22-13-23 ये पत्र क्रमांक दिया है, उसके माध्यम से क्या बताया गया है, भोपाल दिनांक 18-10-2022 के द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की अंतिम तिथि 31-10-2022 निर्धारित की गई है। यानी कि जो प्रमोट करने की जो तिथि है वह 30 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी। ठीक है, की गई है प्रमोट करने की। उसके बाद ये हुआ है अतः स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर प्रवेश नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की तिथि 7-11-2022 से 30-11-2022 निर्धारित की जाती है, शेष निर्देश यथावत रहेंगे। यानी कि इसमें यह बोला गया है जिनको सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में और स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश करवाना है उनकी डेट आ चुकी है प्रवेश करने की, 7 नवंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक आप लोग अपना प्रवेश करा सकते हैं और बाकी की जो भी निर्देश थे सब वही यथावत रहेंगे, केवल डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो यह मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए बिग खबर थी और जो कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेजा था उसकी यही जानकारी थी जो कि मैंने कह बोल के सुना दी, आपको समझ में आ गई। होता कई बार होता है कि बोलने से सुनने से काफी ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, काफी ज्यादा समझ में आ जाता है क्योंकि वीडियो में काफी ज्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और किसी प्रकार की स्टूडेंट से रिलेटेड या कोचिंग फ्री कोचिंग जैसी चीजें और बहुत सारी अच्छी चीजें आप स्टूडेंट की हेल्प करते रहते हैं उससे पाते रहने के लिए हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है अथवा आप लोग अपना टेलीग्राम खोलेंगे और सर्च करेंगे प्रकाश पांडे सतनाम और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे प्रकाश पांडे सतनाम। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ टेलीग्राम में फीचर्स ये है जैसे मैं कुछ भी भेजता हूँ तो आप वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वहीं पे आके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं
बहुत सारे फीचर्स है वहाँ पे, ठीक है। तो और पोल वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में जरूर जुड़े और इसी प्रकार की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।